राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। नरसे जगता जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरसिंह की 11 सूत्री मांगे जिनको लेकर संगठन पिछले कई वर्षों से प्रयासरत है। आशा और उम्मीद थी कि इस साल के बजट सत्र में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी 11 सूत्री मांगों पर सुनवाई करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनदेखा किया गया, जिससे नरसिंह में आक्रोश है और निराशा है कि रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली नरसिंह जो प्रदेश की जनता की देखभाल पूरी जान की बाजी लगाकर करता है, कोरोना में जान की बाजी लगाकर कई नरसिंह ने अपने परिवारजनों को छोड़कर नरसिंह की सेवाएं दी थी, आज उनमें से एक भी मांग पूरी ना होने के कारण प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालय पर राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन एकीकृत के बैनर तले जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें प्राथमिक मांग है ग्रेड पे की, दिल्ली के समान ग्रेड पे और वेतन भत्ते दिए जाएँ और संविदा नर्सेज के संविदा सेवा काल को जोड़ा जाए, बेरोजगार और संविदा नर्सेज को नियमितीकरण किया जाए। इसके अलावा अन्य भी 11 सूत्री मांग है जिन पर राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए और आज माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आशा करते हैं कि 3 मार्च को जो चिकित्सा विभाग का संशोधित बजट आने वाला है उसमें निश्चित रूप से आप नर्सेज की मांगों पर संवेदनशील होकर और निर्णय लेंगे और उनको पूरी करने का कार्य करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से नर्सेज के लिए बहुत ही निराशाजनक बात होगी, मजबूरन हमें आक्रोशित और भयंकर आंदोलन राजस्थान में करना होगा। मैं पवन कुमार मीणा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन एकीकृत।